तो भाई जो यूनिवर्स है ना वो कैंडिस के अगेंस्ट है इस फिनियस एंड फर्ब की मूवी में। वेलकम बैक टू योर चैनल, मैं हूं राज गौरव और आज हम बात करने वाले हैं फिनियस और फर्ब की जो नई मूवी आई है उसके बारे में और क्या ये आपके टाइम के वर्थ है या नहीं, इस वीडियो में हम बात करेंगे। और टेंशन मत लो, ये पूरा रिव्यू स्पॉइलर फ्री होने वाला है, तो आराम से बैठ के देख सकते हो चाहे आपने मूवी देख ली या नहीं। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई एक छोटी सी समरी बता देता हूँ आपको इस मूवी की। तो इसमें क्या होता है, फिनियस और फर्ब जो है और उनकी बहन कैंडेस, ये हमारे लीड रोल में है। और जो कैंडेस होती है उसको एलियंस उठा के लेके चले जाते हैं। अब उसको कैसे रेस्क्यू किया जाएगा उस पर पूरी मूवी है। सिंपल आई नो, बट इज इट? लेट्स फाइंड आउट। तो भाई ये मूवी जो है एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती है, भाई बचपन में बहुत देखा है फिनियस और फर्ब और काफी ज्यादा मजा आता था कि भाई कैंडिस फंसाने में लगी है दोनों भाइयों को। और दोनों भाइयों का मतलब लक देखो, मारने से पहले वो अपने आप कुछ ना कुछ हो जाता है, इन्वेंजन का टूट जाता था, ये हो जाता था, वो हो जाता था। और दो कई थ्योरीज हैं कि ये असली पे बेस्ड है, रियल लाइफ पे बेस्ड है। कैंडिस सही में एक बंदी थी जिसको ऐसे इमेजिनेशन आती थी कि उनका भाई कुछ बना रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट। बट हाँ, काफ़ी ज़्यादा चाइल्डहुड मेमोरीज रिलिव करने को मिलती हैं यहाँ पे और काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब बचपन में बहुत देखा है फिनियस एंड फर्ब और एक टाइम पे तो ऐसा था कि फिनियस एंड फर्ब जब तक ना देखो खेले नहीं जाता था। मतलब ये लगा लो फुटबॉल मेरा फेवरेट स्पोर्ट है और मैं फुटबॉल छोड़ देता था फिनियस एंड फर्ब देखने के, इतना ज़्यादा मज़ा आता था मेरे को ये कार्टून देखने में। और इसकी मूवीज जब आई हैं तो भाई मज़ा आ गया। दूसरी मूवी फिनियस एंड फर्ब की और ये मूवी भाई एक्सपेक्टेशंस पे खड़ी उतरी है, क्योंकि ये एनिमेटेड मूवीज हैं। तो इसके पहले हम एनिमेशन की बात कर लेते हैं। तो एनिमेशन आपको वही कार्टून वाले टाइम पे लेके जाएगा, बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग नहीं है और बहुत ज़्यादा बेकार भी नहीं है। तो वही कार्टून वाले जो आपने देखे ना भाई, आपको वही मूवमेंट रिलीव करने पर मजबूर करता है और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको ये एनिमेशन देखने में, क्योंकि भाई फिनियस एंड फर्ब तो वही है, कैंडिस भी वही है। क्या बदला है, बस स्टोरी बदली है। स्टोरी से ज़्यादा आप थोड़ी सी स्टोरी लाइन की बात कर लेते हैं, क्योंकि एक कार्टून मूवी है तो भाई आप इससे बहुत ज़्यादा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कोई बच्चों वाली चीज़ ही होगी कॉन्सेप्ट, उसको उठा के बनाया होगा, बट उस कॉन्सेप्ट को कैसे तोड़ मरोड़ को प्रेजेंट करते हैं आप पे, ये है असली चीज़। और काफ़ी अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को नए नए ट्विस्ट डाल के आपके साथ प्रेजेंट किया गया है। तो आप ये मत सोचना कि बच्चों की मूवी है, इसमें कई चीज़ और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको ये मूवी देखने मजबूर कर देगी, चाहे आप किसी भी एज ब्रैकेट के हो। तो एक फैमिली मूवी, अपने घर वालों को साथ में लेके बैठो, पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न लगाओ, टीवी पे लगाओ, मस्त बैठ के देखो, मज़ा आने वाला आपको काफ़ी ज़्यादा। और इस मूवी को एंटरटेनमेंट के लिए देखना यार, इस मूवी में ना अब सेंस ढूंढने मत लग जाना कि ग्रेविटी कहाँ गई, ये कहाँ गया, वो कहाँ गया, ठीक है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए है और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको ये मूवी देखने में। एंड आई विल रिकमेंड, अगर आपके पास और कुछ नहीं है टाइम पास करना है तो ये मूवी ज़रूर देखो। और अगर आपको टाइम पास नहीं करना है, आपको सीरियसली कुछ देखना है, तो कुछ टीवी शोज़ के रिकमेंडेशन आई कार्ड में स्टार्टिंग से आ रहे होंगे। अभी भी जो आई कार्ड आ रहा है उस पर क्लिक कर दो, वो जाके देखो, काफ़ी सीरियस हैं वो, बट आपको वो देखने में दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें कोई दिमाग नहीं है, आराम से जाओ बैठो देखो, रिफ्रेश हो जाओ, रिफ्रेशिंग चीज़ देखनी है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। क्योंकि अभी भी मेरी मम्मी जो है कहती है कि कार्टून लगा दे, कभी बीच बीच में कहती है कार्टून लगा दे, कार्टून देखते हैं मज़ा आएगा। वैसे ही अगर आपको अपने माइंड को रिफ्रेश करना है, थोड़े मज़े करने हैं ज़िंदगी में, तो ये आपके लिए है। तो इस मूवी को मैं दूंगा 7.5 स्टार, क्योंकि ना हमें कोई नया कॉन्सेप्ट देखने को मिला और ना कुछ बहुत ही ज़्यादा क्रेजी एनिमेशन, बट हाँ हमको स्टोरी अच्छी देखने को मिली है, हमको चाइल्डहुड से कनेक्ट किया गया है और नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स आई हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको ये मूवी देखने में, ज़रूर जाके देखो एंड प्लीज़ डोंट स्किप दिस मूवी। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने की। नहीं अच्छी लगी तो साथ में कमेंट्स में बताना कि क्या अच्छा हो सकता था इस वीडियो में, ताकि अगली वीडियोज़ में इम्प्रूव कर सके। और ऐसे रिव्यूज़ और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को। थैंक यू वॉचिंग गाइज, एंड एज ऑलवेज पीस आउट।